स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसे आपको पता है कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसे एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ गुड़ के पराठे की इजी रेसिपी, जिसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं और अपने मीठे का जो क्रेविंग है उसे पूरा कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले लगभग 200 ग्राम गुड़। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 200 ग्राम कटा हुआ गुड़। अब मैं एक पतीले में लगभग 1.5 ग्लास पानी गर्म रख रही हूँ। अब जैसे ही ये पानी हल्का गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हमने जो कतरा हुआ गुड़ था वो डाल देंगे। तो इस गुड़ को अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चम्मच से हिलाते हुए इसे बराबर से पिघाल लेंगे, ताकि जो हमारा गुड़ है उसके टुकड़े बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। आप इसे ठंडे पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये जो पानी है इसे आप लगभग देख सकते हैं कि ब्राउन हो रहा है, क्योंकि हमारा गुड़ पिघल रहा है। तो अब हमारा गुड़ का पानी तैयार हो चुका है, तो मैं आटा ले रही हूँ गूंदने के लिए। तो आप जैसे रेगुलरली आटा लेते हैं रोटी का, वही लेना है। अब इसमें जो हमारा गुड़ का पानी है उसे छान के डालना है और उसे थोड़ा ठंडा भी होने दे। इससे क्या होगा कि जो अंदर थोड़े लम्स हो गए होंगे गुड़ के वो रह जाएंगे और बाकी का गुड़ का पानी हम मिक्स कर देंगे। अब इस गुड़ के पानी को हम जब इसमें मिक्स कर देंगे तो इसका जो वेटेज है, तो आपको जो रेगुलर आटा गूंधते समय पानी लेते हैं वैसा ही रखना है। अब मैं आटे को गूंध लूंगी अच्छे से, जैसे आप रेगुलरली रोटी या पराठे का आटा गूंधते हैं। तो ये आटा मेरा गूंध के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ, लगभग मैंने 1 छोटी चम्मच घी लिया है। इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आटा प्रॉपर हो जाए। अब मैं इसके पराठे बनाने के लिए जो लोया होता है वो ले रही हूँ। तो अब मैं पराठा बना दूँगी। थोड़ा सा जाड़ा रखें आप लोया, तो आपका जो पराठा है उसको लगभग सबसे पहले 5 से 6 इंच तक आप अच्छे से बेल लें। अब इसमें थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ। अब इसको हम फोल्ड करेंगे 1 बाय 1, और उस पर फोल्ड पे भी एक एक करके आप जैसे देख सकते हैं मैं घी लगाए जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा कि आपके फोल्ड ओपन होंगे और आपको पराठा लेयर वाला मिलेगा। तो अब इसको जैसे मैंने फोल्ड कर लिया है, तो इस पर मैं एक बार वापस थोड़ा सा जो हमारा आटा है व्हीट फ्लावर वो लगा दूंगी और इसे बेल लूंगी लगभग 5 से 6 इंच के पराठे में। तो अब इस पराठे को हम सेकेंगे। तो इसको मैंने गर्म तवे पे डाला है, तवा ज़्यादा गर्म भी ना रखें, मीडियम सेक पे आप इसे सेकेंगे। तो जैसे ही मेरी एक साइड अच्छे से सिक जाएगी, मैं पराठे को टर्न कर लूँगी। अब मेरी दोनों ही साइड पराठे की सिक जानी चाहिए। तो दोनों साइड जैसे आप चेक कर सकते हैं अच्छे से हाथ से, या फिर चिमटे की हेल्प से कि सिक्की है कि नहीं। जैसे ही मेरी दोनों साइड सिक जाएगी, इस पर मैं दोनों साइड 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा घी लगा दूंगी। अगर आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी ज़्यादा प्रिफरेबल है, ये ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरा पराठा काफ़ी अच्छा फूल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पराठा मेरा तैयार हो चुका है। तो अब इस पराठे को मैं सर्व कर रही हूँ आमचूर के साथ। ये अगेन एक केरी की काफ़ी सिंपल और अच्छी रेसिपी है। आप अगर इस रेसिपी को देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आई होप आप ये रेसिपी इंजॉय करेंगे, आप खुद भी खाएंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी खिलाएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन दबाना ना भूले सब्सक्राइब का। इसी के साथ नए नए वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन बेल क्लिक कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियोस। थैंक यू।